सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा सातवीं के ई लर्निंग हिंदी के वसंत के कक्षा में। हफ्ते का पहला दिन है, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मेरे सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से घर में मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं और स्वस्थ हैं। घर से बाहर तो बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं ना, है ना? तो स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चिड़िया की बच्ची नामक पाठ को पढ़ रहे थे और आज हम लोग जो है पेज नंबर 68 से स्टार्ट करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि माधव दास एक मतलब बदली से भरे दिनों में, मतलब एक बादल वाले दिन में जो है चिड़िया को मतलब अपने गार्डन में बैठे हुए थे, तब एक चिड़िया आती है और चिड़िया बहुत थिरकती है इधर उधर डाल पर। तो ये सब देखते हैं और ये सब देखते हुए वो जैसे अपने डेली एक्टिविटीज़ को भूल गए हैं। कुछ देर के लिए वो उसी में इतने सुदबुद खोकर लग जाते हैं कि उनको और कुछ याद ही नहीं रहता है, उनको किसी चीज़ की भनक ही नहीं रहती है। वो सब कुछ मतलब अपना एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए वो पल जैसे उनका ठहर जाता है, उनको कुछ भी याद नहीं रहता है, ऐसा है। और चिड़िया जो है मतलब माधव दास की उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। माधव दास कौन है, उसके पास कितनी संपत्ति है, क्या है नहीं है, इस चीज़ से उसको कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपनी मस्ती में एकदम थिरक रही है। तो ऐसे ही सिचुएशन में क्या होता है कि उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। तो चिड़िया तो अपनी जो प्यारी प्यारी चोंच से बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ें निकाल रही थी, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो तब जो है मतलब ये जो माधव दास जी हैं, ये जो है चिड़िया से कहते हैं। अच्छा, इस कहानी में ऐसा होगा कि चिड़िया भी बात करेगी, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए, ये सुन करके बिल्कुल चौंकिएगा नहीं। और कहानी तो कहानी है, कहानी को कहानी के एंगल से पढ़िए, बस उसके इनर मीनिंग को समझना है आपको। तो क्या है कि उन्होंने चिड़िया से कहा, आओ तुम तो बड़ी अच्छी आई, तुम तो बहुत अच्छी जगह पर आई हो, ये जो बगीचा है ये तो मैंने तुम्हारे लिए, तुम जैसे चिड़िया के लिए ही बनाया है, और तुम लोगों के बिना ये बगीचा बहुत सूना लगता है, बहुत खाली लगता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो अगर तुम लोग यहाँ चहकोगी, घूमोगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तुम रहो यहाँ पर। और ये तुम समझो कि जैसे ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। और तुम जो है बेखटके मतलब बिना रोक टोक के, बिना किसी मन में झिझक के इस बगीचे में जो है विचरण किया करो, ये तो तुम्हारा ही है। चिड़िया पहले तो असावधान रही, चिड़िया तो पहले बिल्कुल बेफिक्र होकर घूम रही थी, उसको तो इन सब बातों का कोई बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं था। वो बहुत असावधानी से घूम रही थी, उसको सावधान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसको लगा कि इतना सुंदर बगीचा है, बगीचे के सौंदर्य में वो खो गई थी, उसको प्रकृति की मनोहरता ने उसको इतना रम लिया था कि कोई इंसान हो सकता है, वो उसके लिए कुछ मतलब हानि कर सकता है, ये सब उसके दिमाग में नहीं रहा था। फिर जानकर कि बात उससे ही की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, लेकिन जब उसको पता चला कि माधव दास उसी से बात कर रहा है, मतलब माधव दास के बात करने के बावजूद भी वो एकदम असावधानी से घूम रही थी, लेकिन जब उसको बाद में पता चलता है कि माधव दास तो उसी से बात कर रहे हैं, ये सब बातें तो उसी को कही जा रही हैं, तो वो एकाएक जो है, एकाएक यानी कि सडनली जो है वो क्या करती है कि वो घबरा जाती है, डर जाती है। फिर संकोच को जीत कर बोली, फिर बहुत हिचकिचाहट होती है, बहुत संकोच होता है उसको, उसको जो है मतलब थोड़ा क्या बोले कि उसको थोड़ा शर्म सा आता है, लेकिन सब कुछ को दबा करके वो बोलती है, मुझे मालूम नहीं था कि बगीचा आपका है। बोलते भाई मुझे तो मालूम नहीं था कि आपका बगीचा है, मैं अभी चली जाती हूँ, फिर मैं यहाँ नहीं घूमूंगी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी, मैं इधर से उधर फुदकते हुए
पल भर के लिए, केवल सांस लेने के लिए इधर मैं टिक गई थी, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ टिकने नहीं आई थी। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है। हाँ ये बगीचा मेरा है, ये जो संगमरमर की कोठी बगीचे के पीछे तुम देख रहे हो, ये सुंदर सा महल, ये भी मेरा है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। है तो ये मेरा ही, लेकिन इन सब चीजों को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है, अब सब तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, तुम तो कितनी भोली हो, कितनी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, यहाँ से जाओ नहीं, तुम बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है और तुमको देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मेरी खुशी के खातिर तुम यहाँ रुक जाओ। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे फिर पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक